नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं चैनल वन। जी हाँ, एक बड़ी खबर हमारे पास आई है और बड़ी खबर जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ, उनके रेजिग्नेशन के बाद जो है किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है धमाका हुआ कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस जो है ऐसा कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जाने वाले गए हैं, कोई बड़ा जो है धमाका हमारे लिए नहीं है। लेकिन रियलिटी आप जानते हैं कि धमाका तो हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर। 5 सितंबर को जो है आजाद साहब एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। आज आपको मैं बता दूं कि उसी को लेकर जो है आशा, जो सोर्सेस हमारे पास भी थे, हम भी कहते रहे थे कि जो है आजाद साहब के साथ जो है और भी सपोर्ट जो है आएगी, और भी रेजिग्नेशन आएंगे, और वो सिर्फ कांग्रेस से नहीं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से आएंगे, वो जो है आम आदमी पार्टी से भी हो सकते हैं। आज जो आंकड़े हमारे पास आए हैं और जो लोग रेजिग्नेशन देकर आए हैं वो अपनी पार्टी से है, आम आदमी पार्टी से अभी नहीं। सोर्सेस ये भी है कि आम आदमी पार्टी से भी कोई ना कोई रेजिग्नेशन देने वाला है सपोर्ट में आजाद साहब के। आपको मैं बता दूं कि रेजिग्नेशन लेटर मेरे हाथ में है जो कि सोशल मीडिया पे जो है वायरल है। अभी जो है 12 लोग, 12 ऐसे लीडर हैं अपनी पार्टी के जिन्होंने आज जो है अल्ताफ बुखारी का दामन छोड़कर गुलाम नबी आजाद साहब का जो है दामन जो है थामने की सोची है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है जो मेंबर्स हैं, ऑफिस जो है बैरियर्स थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, उन्होंने जो है सबमिट किया है रेजिग्नेशन टू पार्टी प्रेसिडेंट जनाब अल्ताफ बुखारी साहब। और उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा जो इंटेंशन है, हमारा जो जो इसको छोड़ने का मत है, वो इसलिए क्योंकि हमने जो है जो नई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो बनाने वाले हैं गुलाम नबी आजाद साहब, उसके साथ हमारा जो है एक्सटेंशन सपोर्ट होगा, और उसके लिए जो है हमने आज ये इस्तीफा जो दिया है। और इसमें सबसे मैक्सिमम लोग जो है वो डोडा के एरिया के हैं, और डोडा के एरिया के लोग जो है कहीं ना कहीं उन्हें होप है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है फेसिस कौन होंगे, न्यू कैंडिडेट आगे कौन होगा, कौन अपनी पॉलिटिकल पार्टी से कौन कौन कैंडिडेट होंगे अभी बिल्कुल साफ नहीं है, इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन जैसे आजाद साहब ने जो है रिजाइन दिया, तो जम्मू कश्मीर के अंदर, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर की बात करें तो वहां पर मैक्सिमम लोग आजाद साहब के साथ हैं, और आजाद साहब को जो है एज ए सीएम जो है देखने की कोशिश करेंगे। आपको मैं 12 लोगों के जो है नाम बता दूं। असगर हुसैन खांडे जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के, और उसके बाद जो है श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा जो है जनरल सेक्रेटरी है अपनी पार्टी के, और प्रमिला शर्मा है, श्रीमती प्रमिला शर्मा जो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट थी महिला मोर्चा के अपनी पार्टी के, और उसके बाद श्री मुश्ताक अहमद हाजम जो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे अपनी पार्टी के ठाठरी से, और उसके बाद जो है श्री जावेद इकबाल भट्ट जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ब्लॉक ठाठरी से, और उसके बाद जो है गुलाम का हैदर जो है ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के, जावेद अहमद है ब्लॉक सेक्रेटरी है अपनी पार्टी के, गुलाम हसन जरगर है जनरल सेक्रेटरी ब्लॉक ठाठरी से है, आशिक हुसैन भट्ट है सेक्रेटरी है अपनी पार्टी के, निसार अहमद जरगर है मेंबर पंचायत ठाठरी ए एज वेल एज ब्लॉक सेक्रेटरी अपनी पार्टी के हैं, और उसके बाद अब्दुल कबीर जो है मेंबर पंचायत ठाठरी ए एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी अपनी पार्टी, मोहम्मद अशरफ मेंबर पंचायत ठाठरी ए एंड ऑफिस बैरियर अपनी पार्टी, और इन सबों ने जो है आज रेजिग्नेशन दिया है। और ये ठाठरी के एरिया के, मैंने कहा ना मैक्सिमम लोग जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के ठाठरी एरिया से हैं, और ठाठरी एरिया जो है वो भी होम टाउन है, यानी कि डोडा डिस्ट्रिक्ट ही होम टाउन है आजाद साहब का, और वहां से और भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज से रेजिग्नेशन आ सकती हैं, और वो जो दामन जो है आजाद साहब का जो है यहाँ पर थामेंगे। अब बड़ी बात ये होगी कि आने वाले टाइम में 5 अगस्त को वो कौन से बड़े लीडर्स भी होंगे, वो कौन से लोग होंगे जो अपनी पार्टी छोड़ के, या आम आदमी पार्टी छोड़कर और पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर या कांग्रेस छोड़कर जो है वो आजाद साहब का दामन थामेंगे, और उनकी नई पॉलिटिकल पार्टी जो होगी उसको बूस्ट अप करेंगे, और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इलेक्शन जीतेंगे, और 90 के 90 सीटों के ऊपर जो है जिस तरीके से डंके की चोट पर आजाद साहब ने कहा है कि 90 की 90 सीटों पर जो है हमारे इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे भी। 5 जो है सितंबर को आज साफ तौर पे जो है सभी की नजरें 5 सितंबर के ऊपर है कि 5 सितंबर को होता क्या है और आजाद साहब कहते क्या है, क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे, अभी भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। दीजिए सुरिंदर परिहार को इजाजत, कैमरामैन सुरजीत के साथ चैनल वन के लिए।
For advertisements in Channel 1, please contact on 700-644-869.